मैसेज देना चाहते हो कि मैं एक कार्टून टाइप का इंसान हूं। माय डियर फ्रेंड, आपका स्टेटस आजकल आपकी पहचान है, तो आपके स्टेटस पे आपको क्या लगाना है? आपके स्टेटस पे चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको आपको यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। यूज करने का मतलब मेरा एक नारा है, वो नारा क्या है कि आप रोजाना एक अच्छी सी अपनी अच्छी पिक अपनी अपलाइन के साथ, अपने प्रोडक्ट के साथ, या अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई अच्छी सी पिक, या कोई आपका प्रोडक्ट का फोटो, या कंपनी के कोई इवेंट का फोटो, या कोई एजुकेशनल कोई चीज, एक अच्छा सा वीडियो फोटो स्टेटस आप लगाएं और लोगों को बिजी कर दें उसके अंदर। लोग आपका स्टेटस देखते रहेंगे और आप अपने काम में लगे रहें। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो एक क्रेविंग हो जाती है कि मेरा स्टेटस किस किसने देखा, देखिए किस किस कितने लाइक मिले, कितने कमेंट मिले। भैया आप इस चक्कर से बाहर आ जाइए, अगर आप इस कमेंट लाइक इसमें उलझे रहेंगे तो बिजनेस कब करेंगे? तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से देखिए, वहां कोई वल्गर चीज आपको नहीं डालनी, कोई गलत पोस्ट आपको नहीं करनी है, एजुकेशनल पोस्ट करनी है, कंपनी से रिलेटेड पोस्ट करनी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड पोस्ट करनी है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड पोस्ट करनी है, और आपकी सोशल मीडिया इमेज बहुत शानदार होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही डुप्लीकेट होगा। आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो स्टेटस लगाएंगे वही आपकी डाउनलाइन लगाने वाली है। अगर आप अपनी अपलाइन की फोटो लगाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी फोटो लगाएगी, डेफिनेटली लगाएगी, ये डुप्लीकेशन है। तो आपको सही तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है। नेक्स्ट, कुछ इस बिजनेस में डूज है, कुछ इस बिजनेस के डोंट्स है, यानी कि ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले इस बिजनेस में दोस्तों आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है। आप दिलों पे राज करोगे, आप अपनी अपलाइन अपनी डाउनलाइन के दिलों पे राज करोगे, आप हजारों लोगों के दिलों पे राज करोगे। दोस्तों आपको इस बिजनेस में एक एटीट्यूड डेवलप करना है, वो ये है कि इस बिजनेस को या तो आप अपनी डाउनलाइन के लिए करें, डाउनलाइन की ग्रोथ के लिए कमिटेड हो जाएं, या फिर आप अपनी अपलाइन की ग्रोथ के लिए कमिटेड हो जाएं। अपने बारे में ना सोचें, सेल्फिश इमेज से बाहर आइए आप, सेल्फिश इमेज से। और दोस्तों सही मायने में जब आप अपनी डाउनलाइन की ग्रोथ के लिए काम करेंगे ना, तो भी आप ही की ग्रोथ होगी। ये बिजनेस है ही ऐसा, डाउनलाइन ग्रोथ करेगी तो आप ही ग्रोथ करेंगे, या आप अपनी अपलाइन की ग्रोथ के लिए काम करेंगे तो भी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि आपकी अपलाइन की ग्रोथ तभी हो सकती है जब आपकी ग्रोथ होगी। तो इतना प्यारा बिजनेस है ये, इसमें मैं मेरा इससे बाहर निकलना चाहिए। हमें अपनी डाउनलाइन से प्यार करना चाहिए, अपलाइन से प्यार करना चाहिए, और हमें मिल के एक टीम वर्क में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कमिटमेंट लेने चाहिए कि यार हम है ना अगले 5 दिन में इसकी प्रमोशन करवाएंगे, अगले 5 दिन में इसकी प्रमोशन करवाएंगे, हम अपने नेटवर्क में इतनी प्रमोशन निकलवाएंगे, हमारी डाउनलाइन में इतने चेक बनाएंगे, हमारी अपलाइन का इतना चेक बनेगा, हमारी अपलाइन गाड़ी ले रही है, हमारी डाउनलाइन गाड़ी ले रही है। ऐसे हमें अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के लिए काम करना है। दोस्तों इस बिजनेस में एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ, और वो ये है, इस बिजनेस को करते करते कई बार आप डाउन फील करेंगे और कई बार आप एक्साइटेड फील करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है हमारा, क्योंकि हम कोई मशीन तो है नहीं, हम कुदरत के द्वारा बनाए हुए इंसान हैं। तो हमारे अंदर इमोशंस हैं, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हमें बुरा लगता है, और ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो जब आप अच्छा फील करते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आप सुपर पॉजिटिव होते हैं, तो आपको अपनी डाउनलाइन के पास जाना चाहिए। और जब आप नर्वस फील करते हैं, जब आप उदास फील करते हैं, या आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ना चाहिए, अपनी अपलाइन के पास जाना चाहिए। दोस्तों जनरली लोग क्या करते हैं, जब लोग डाउन फील करते हैं तो अपनी डाउनलाइन के सामने जाके अपना दुखड़ा रोने लग जाते हैं। क्या होगा उससे, आप अपनी डाउनलाइन में नई बीमारी चला रहे हो। आपकी डाउनलाइन सुपर पॉजिटिव है, वो काम करना चाहती है, वो एक्साइटेड है, लेकिन आप उदास निराश चेहरा लेके अपनी डाउनलाइन में चले गए, वो लोग भी सोचेंगे इसको क्या हो गया, वो भी उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब आप सुपर पॉजिटिव हो तो अपनी डाउनलाइन के बीच में जाएं, और जब आप निराश हो, हताश हो, अपनी अपलाइन के पास जाइए, क्योंकि आपके अपलाइन के पास वो सुपर एनर्जी है जिससे आप वापस सुपर एक्साइटेड होंगे, और वो सुपर एक्साइटेड वो एक्साइटमेंट लेके आप अपनी डाउनलाइन के पास जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ
कुछ इस बिजनेस के डोंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने, बिल्कुल भी। 17 साल इंडस्ट्री में लगाने के बाद कुछ लीडर्स ने बड़ी मिस्टेक की है, कुछ लोगों ने बड़ी मिस्टेक की है अपने नेटवर्क में और देखते ही देखते उनका नेटवर्क खराब हो गया दोस्तों। एक आप ये वैसी ही बात है, एक बना बनाया परिवार बिखर जाना, एक नेटवर्क खराब हो जाना। दोस्तों वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि समझदार इंसान वही होता है जो दूसरी गलतियों से सीख जाता है, या खुद गलती करेगा तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। आप अपने नेटवर्क में फंडिंग ना करें दोस्तों, डुप्लीकेशन का काम है, मैंने आपको समझाया, जो आप करेंगे आपकी डाउनलाइन भी करेगी। तो डुप्लीकेशन में फंडिंग क्या होती है, यानी कि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी डाउनलाइन में लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं और उनको खुद पैसे दे के ज्वाइन करवा देते हैं। दोस्तों अगर आपने अपनी डाउनलाइन को खुद पैसे लगा के उसको ज्वाइन करवा दिया, तो वो क्या अपनी डाउनलाइन को पैसे दे के ज्वाइन करा पाएगा? नहीं करा पाएगा दोस्तों। ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर बनाने का एक सुनहरा मौका है, सपने पूरे करने का मौका है। और 8,500 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है यार। अगर किसी के घर में कोई छोटी मोटी कोई हादसा हो जाए तो भी लोग 20-30,000 रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर देते हैं। 8,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप उसको पैसे नहीं देंगे, आप उसके पैसे कहां से हो सकते हैं ये उसकी मदद करिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने उसको पैसे बनाना सिखा दिया ना, तो वो अपनी डाउनलाइन में सैकड़ों लोगों के पैसे बनवाएगा। अगर आपने उसको पैसे दे के ज्वाइन करवा दिया ना, तो वो अपनी डाउन में क्या लोगों को पैसे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और उसको एक उस दिन एक मैसेज जाएगा कि भैया लोग तो तभी ज्वाइन करते जब हम उनको पैसे देते हैं। पैसे नहीं देना किसी को, फंडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा है दोस्तों, कभी भी अपने नेटवर्क में नेगेटिव डिस्कशन नहीं करना है। दोस्तों नेगेटिव डिस्कशन एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद होने का। डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा खासा लीडर, एक अच्छी खासी टीम कई बार नेगेटिव बात करके अपने नेटवर्क को खराब कर लेती है। नेगेटिव बात कैसे होती है? बहुत छोटी मोटी बात, जैसे मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसको किसी ने यूज किया, 10 में से जब 10 लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आपको क्या लगता है 10 में से 10 को रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। 10 में से 7 लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और 3 लोग ऐसे होंगे जिनको रिजल्ट मिलेंगे तो भी वो क्या बोलेंगे, मजा नहीं आया, या फिर वो उल्टी बात करेंगे कि यार आपके प्रोडक्ट से मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। और कई बार नादान डाउनलाइन होती है ना, नई नई डाउनलाइन, वो अपने उसी गेस्ट की बात को लाके अपनी टीम में डिस्कस करने लग जाता है। अरे सर वो ऐसा बोल रहा था कि हमारे प्रोडक्ट से उसको नुकसान हो गया। वहां पे बैठे हुए नए 10 लोग या आपकी डाउनलाइन के नए 2 लोग जिन्होंने आज ही कंपनी को ज्वाइन किया है, उनको आपने क्या कहा है? प्रोडक्ट से नुकसान हो गया? बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत से लोगों को फायदा हुआ है यार। नेगेटिव बातें शेयर करके आप अपनी डाउनलाइन का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव फिल्टर लगाना है, पॉजिटिव फिल्टर। चैलेंजेज आएंगे, नेगेटिव डिस्कशन, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप अपनी अपलाइन के पास शेयर करिए, चैलेंजेस को अपनी अपलाइन से डिस्कस करिए। डाउनलाइन से हमेशा पॉजिटिव बात करिए, पॉजिटिव बात करिए। वो एक बच्चा है, उसको ग्रो करना है, उसको अच्छा माहौल चाहिए, उसको अभी कोई लेना देना नहीं है नेगेटिव चीजों से। तो आप उसको नेगेटिव चीजों से बचा के रखिए यार। एक माँ भी अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है, उसको हर चीज से बचा के रखती है। वैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग में एक डाउनलाइन के गार्जियन है, तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव चीजें दीजिए। दोस्तों इस सेशन में मैंने आपको डिटेल से समझाया है कि आपको इस बिजनेस में किन किन बातों का ध्यान रखना है, सिस्टम को फॉलो करना है, और सिस्टम को फॉलो करते हुए 2 बातों का ध्यान रखना है, अपर हैंड सेट का ध्यान रखना है और डुप्लीकेशन का ध्यान रखना है। डुप्लीकेशन का मतलब जो मैंने स्टेप्स आपको बताए हैं कि ये काम आपको करने हैं, क्या आप खुद कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे तो अभी जाग जाइए, आज से फॉलो करिए, आज से। और अपनी डाउनलाइन से भी एक्शन से ये फॉलो करवाइए। मैं इस बात की 100% आपको गारंटी दे सकता हूं, आपको भविष्य का करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एसेंशियल बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री में, जो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ दे सकता है। लेकिन जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते, जो लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, उनकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। ओरियन वैसे ही बहुत समझदार है, आप गलतियां नहीं करेंगे, और जो ट्रेनिंग दी जा रही है उन ट्रेनिंग के आधार पे काम करेंगे, खुद भी ग्रो कराएंगे
और अपनी टीम को भी ग्रो कराएंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।